अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त एक कंट्री साइड पे हूँ और मेरा दिल था आज मैं आपको देहात दिखाऊं। ये इंग्लैंड का इलाका है, लंका शहर में एक बर्नले। तो ये बर्नले जो है उसका एक देहाती साइड है उसकी, और बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत सफ़र है। मैं अक्सर जब भी थोड़ा सा परेशान होता हूँ मेरी कोशिश होती है मैं इस तरफ का एक चक्कर लगाऊँ। तो आज मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ इस रास्ते की और यहाँ से गुजरते हुए आप लोगों को भी दिखाऊँ। और ये देखिए, अच्छा एक चीज़ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त, बहुत एक तो ये तो खैर मैं इस वक्त हूँ ही देहाती साइड पे तो आप बोलेंगे शायद इस वजह से है, लेकिन अगर आप शहरों में भी चले जाए ना, मोटरवेज के ऊपर से भी गुजरे, तो आपको दरख्त बहुत ज्यादा तादाद में नजर आएंगे। इस मुल्क में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, हालांकि पहाड़ी इलाका है उसके बावजूद इन्होंने ना अपनी ग्रीनरी को बहुत ज्यादा मेंटेन रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बड़ी छोटी सी सड़क है, साइडों पे फील्ड है, खेतों के दरमियान से गुजरती हुई ये सड़क, और बहुत ही टाइट किस्म की सड़क है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें यहाँ पे आप रास्ते में उधर से आती हुई गाड़ियाँ या इधर से जाती हुई गाड़ियाँ, बड़े सुकून से चलेंगे लोग इस रास्ते पे सफर करेंगे, क्योंकि तो ज्यादातर लोग तो इन रास्तों को यूज करते हैं इंजॉय करने के लिए। जैसा कि मैं अभी बड़ी बहुत ही स्लो स्पीड पे गाड़ी में चल रहा हूँ और आपको नजर आ रहा होगा खेत, मतलब ये खेतों के अंदर से आपको दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे होंगे। आपको महसूस भी नहीं हो रहा कि यहाँ के साइड पे कोई खेत है, आपको खाली दरख्त नजर आ रहे होंगे। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को दरख्तों की अहमियत का इतना बताया नहीं गया, या फिर हम लोग हैं ही इतने बदनसीब कि हमें एहसास नहीं हो सका कभी कि ये दरख्त हमारे लिए कितने जरूरी हैं। ये देखिए, मैं जितनी भी ड्राइव करूंगा ना आप दरख्त ही दरख्त देखेंगे दोनों साइडों पे। आप दोनों साइडों पे दरख्त देखेंगे, ऊपर नीला आसमान और जनाब ये पल खाते हुए रास्ते बहुत ही खूबसूरत, बड़े खूबसूरत लगते हैं, आंखों को बड़ा सुकून देते हैं ये। और यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे मुझे नजर आ गए घोड़े। ये देखिए, ये एक खेत है जिसके अंदर, ये अगर आप सामने कैमरा मेरा दिखा सके आपको, तो मैं इनको जूम इन नहीं कर पाऊंगा माजरत के साथ, मेरे पास ज्यादा कैमरा इसमें जूम इन की अबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे सामने है जनाब घोड़े ही घोड़े, खुले उन्होंने छोड़े हुए हैं, वो सारा दिन इधर चरते रहते हैं और फिर शाम को खुद ही अपने शेड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर खेत में आपको यही देखने को मिलेगा। मेरी कोशिश होगी मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूं, 4 मिनट 5 मिनट होने वाले हैं तो, लेकिन सफर है इतना मजे का, ये रास्ते इतने मजे के हैं कि दिल करता ही नहीं है बंदा रिकॉर्डिंग को छोड़े। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे येलो के कलर के फूल, और जारी बात है कैमरा हर साइड तो दिखा नहीं सकता। मेरे राइट साइड पे अभी एक शेड गुजरा है जिसमें वो जो हमारे पंजाबी में नहीं कहते वलैतण गावा, वलैती गाय काउस, मैं उनके पास से गुजरा हूँ। यकीनन आपको ये रास्ते नजर आ रहे होंगे, कम से कम कैमरा इतना तो कवर कर ही पा रहा होगा, और सामने सारी ग्रीनरी भी नजर आ रही होगी, बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल बहुत ज्यादा है और जो देहाती लोग हैं उनका अपना भी रोल बहुत ज्यादा है। जैसे कि अब ये देखिए यहाँ से गुजरते हुए टोटल 3 या 4 घर आएंगे इस रास्ते पे, ये मेरे राइट और लेफ्ट पे जो आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अगर आप इनके घर के तरफ बाहर देखें ना, बेलें लगी हुई, जिस तरह हमारे उधर पाकिस्तान में पंजाबी लोग अपने घरों को सजा के रखते हैं, तो ये लोग जो है ना इसी तरह अपने घरों को सजाते हैं अपने, बल्कि पूरे गांव की उन, उन,
उनको फिकर होती है कि हमारा गांव खूबसूरत नजर आना चाहिए। और जब शाम का टाइम होता है, लोग काम से आते हैं, जैसे कि ये मेरे सामने आपको नजर आ रहे होंगे, ये अपने अपने कुत्ते या फिर जो भी इन्होंने जानवर पाला होता है उसको साथ लेते हैं और इसी तरह इन रास्तों पे चल पड़ते हैं, जानवरों को भी वॉक करवाते हैं, खुद भी थोड़ी सी वॉक करते हैं, अपने आप को फ्रेश रखते हैं। ये चीजें हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नापैद हो गई हैं, कम हो गई हैं, हैं जरूर लेकिन कम हो गई हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, ये इन्होंने अपनी रूटीन को अभी तक मेंटेन रखा हुआ, सेट रखा हुआ। ये देखिए अभी फिर मैं एक जगह से गुजरा, अब यहाँ पे मेरे राइट साइड पे जो है ना वो फार्म है, दो घर हैं टोटल यहाँ पे, तो इन दो घरों ने अपने इस पूरे एरिए को जो है ना खूबसूरत सा बना के रखा हुआ। तो ये सामने देखिए एक और आ रहा है बंदा, इस वक्त वॉक करने के लिए निकला हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जितनी भी ड्राइव करें ना, बंदे का दिल भरता ही नहीं है, ग्रीनरी ग्रीनरी, बंदा एक दफा ना फ्रेश हो जाता है। जितना भी थके हुए माइंड से यहाँ पे आए, एक बार बंदा सोचता है यार क्या बात है। और अक्सर लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, अगर वो चल ना सके, अगर उनको पैदल चलने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्या करते हैं, वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं, मैं भी बिला बजा इस तरह की पगडंडियों और रास्तों पर, जनाब शुक्रिया आपने मुझे रास्ता दिया, इस तरह की पगडंडियों पे आते हैं, रास्ता जो होता है देहाती रास्ते वहाँ पे आते हैं, घूमते फिरते हैं, जिस तरह अभी मैं गाड़ी में घूम फिर रहा हूँ, थोड़ी देर की किसी किसी जगह पे गाड़ी साइड पे लगा के, अब यहाँ पे मेन सड़क पे कोई भी नहीं लगाएगा, वो दूसरों को तंग नहीं करेंगे, तो जहाँ पे भी कोई जगह मिलेगी उनको वो उस जगह पे गाड़ी अपनी साइड पे लगाएंगे, और जब तक उनका दिल करेगा वो फिर बैठेंगे, कुदरत के नज़ारे देखेंगे और उसके